हेलो दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज वाला अपना जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है गोलजी काई वाला। गोलजी काई जैसे इंग्लिश में अपन किस नाम जानते हैं, गोलजी बॉडी के नाम से भी जानते हैं। काई का मतलब होता है शरीर, ठीक है ना, ये शरीर का एक प्रावाचक शब्द है गोलजी काई, और इसी अपन क्या करते हैं इसमें गोलजी बॉडी के नाम से भी जानते हैं। और इसे दोस्तों अन्य किस नाम से जानते हैं, तो अन्य आपको याद रखना इसे अन्य जल काई के नाम से भी जानते हैं। अन्य इसे किस नाम जानते हैं, तो आपको याद रखना अन्य इसे जलकाय के नाम से भी जानते हैं। अब जो गोलजी काय के बारे में अपन बात करते हैं कि जो ये गोलजी काय है इसकी खोजकर्ता कौन है, इसकी खोजकर्ता कौन है, तो खोजकर्ता के बारे में बात करते हैं। ये जो गोलजी काय है दोस्तों, इसकी जो खोजकर्ता है, इसके जो खोदने वाला है, इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी केमिलो गोलजी। किसने की थी, केमिलो गोलजी नामक वैज्ञानिक था, और उसने इसकी क्या की थी, खोज की। कहां से की थी, उल्लू है, उल्लू की तंत्रिका कोशिका में। जो उल्लू है तो आपको याद रखना कि जो उल्लू है और उल्लू की जो तंत्रिका कोशिका है, उल्लू की जो तंत्रिका कोशिका है और उल्लू की तंत्रिका कोशिका से, और इसने क्या की थी, केमिलो गोलजी ने गोलजी का की खोज की। ये आपको याद रखना, तो आप याद रखना कि जो केमिलो गोलजी ने जो गोलजी की खोज की थी वो किस जीव की तंत्रिका कोशिका से की थी, तो आपको याद रखना उल्लू की तंत्रिका कोशिका से इसने क्या किया थी, गोलजी काई की खोज की थी। अब ये गोलजी काई दोस्तों क्या होता है, अपने जो कोशिका है और कोशिका के जो कोशिका द्रव्य है, कोशिका जो कोशिका द्रव्य है, इसे अपने याद रखना कोशिका द्रव्य, ये कोशिका द्रव्य में, ठीक है ना, जो कोशिका में जो कोशिका द्रव्य होता है और कोशिका द्रव्य में और ये थैली नुमा संरचना पाया जाता है, ये क्या थैली नुमा इस संरचना में ये पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ये कोशिका पाया जाता है। ये दोस्तों एक कोशिका का मुख्य स्त्रावी अंग है। आपसे सीधा सा पूछा जाएगा कि कोशिका का मुख्य स्त्रावी अंग क्या है, या कोशिका का एक स्त्रावी अंग कौन सा है, तो आप बता देना मुख्य, ये जो जो कोशिका का जो मुख्य स्त्रावी अंग है वो है गोलजी काई। ये कोशिका का एक मुख्य स्त्रावी अंग है। ये क्या कहते हैं कि प्रोटीन, ये जो कोशिका की जो प्रोटीन है, जो अणु है, ये दूसरे स्थान पर ये पहुंचाते हैं, ये क्या करते हैं, दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, और इसी अपन क्या कहते हैं कोशिका का, इसे यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। इसे अपने क्या कहते हैं कोशिका का यातायात प्रबंधक, कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं, या इसे अपने ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जानते हैं। इसे किस नाम जानते हैं, इसे अपन क्या ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जानते हैं, आपको याद रखना इसे ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानते हैं, या इसे कोशिका का बिचौलिया भी कहते हैं, या इसे अपन क्या कहते हैं, जो कोशिका है और उस कोशिका का अपने क्या कहते हैं, बिचौलिया होता है ना, मिडमैन, क्या होता है, मिडमैन, इसे अपन क्या कहते हैं, कोशिका का बिचौलिया भी कहते हैं, मतलब इसे कोशिका का अपने क्या कहते हैं, मिडमैन के नाम से भी जानते हैं। इसे कोशिका के किस नाम जानते हैं, मिडमैन के नाम से, बिचौलिया होता है ना, इसीलिए इसे अपन याद है कोशिका का बिचौलिया या कोशिका के मिडमैन के नाम से भी जानते हैं। किसको जानते हैं, तो ये गोलजी काई को कहते हैं। इसके अलावा इससे अन्य नामों से बहुत ज्यादा है, इससे सभी कोशिकाओं की मां भी कहते हैं। इससे अपन क्या कहते हैं कि जो सभी कोशिकाओं होते हैं और सभी कोशिकाओं की, और इसे क्या कहते हैं, मां भी कहते हैं। किसको कहते हैं, तो आप बता देना गोलजी काई को सभी कोशिकाओं की मां भी कहते हैं। इससे अन्य किस नाम जानते हैं, इसे अन्य एक लाइपोकोंड्रिया के नाम से भी जानते हैं। अन्य उसे और किस नाम जानते हैं, इसे अन्य इसे लाइपोकोंड्रिया, अन्य इसे किस नाम जानते हैं, इसे अन्य लाइपोकोंड्रिया के नाम से भी जानते हैं। और लाइपोकोंड्रिया और इसे पौधों में अपने क्या कहते हैं, पौधों में इसे अपन किस नाम जानते हैं, तो पौधों में आपको याद रखना इसे डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। जो गोलजी काई है और पौधों में इसे अपन क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। और अब दोस्तों इसके जो कार्य के बारे में जो मैंने आपको बताया था, ये क्या करता है, जो कोशिका के अंदर क्या करता है, प्रोटीन या अन्य अणुओं को जो माध्यम प्रदान करता है, ये दूसरे स्थान पर ये क्या करता है, स्थानांतरण करता है, कौन करता है, गोलजी काई करता है, मतलब पुटिकाओं के माध्यम से, किसके माध्यम से, ये पुटिकाओं के माध्यम से, ठीक है ना, पुटिकाओं के माध्यम से ये क्या करते हैं, प्रोटीन और अन्य अणुओं को दूसरे स्थान पर पहुंचाता है, और इसीलिए इसे अपन क्या कहते हैं, कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं, ट्रैफिक मैनेजर भी कहते हैं,
ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं, कोसी का कंपोजिया भी कहते हैं, मिडमैन भी कहते हैं, और इसे अपने लाइफोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं, और इसे सभी कोशिकाओं की माँ भी कहते हैं, और पोतों में इसे अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम के नाम से जानते हैं। और ये दोस्तों कोशिका द्रव्य मेंथेलियोमा संरचना में पाई जाती है, और इसकी खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्ड जी ने की थी, कहाँ से की थी, जो उल्लू की जो तंत्रिका कोशिका है, और यहाँ से इसकी क्या थी खोज की थी। इसे अपन जलकाय के नाम से भी जानते हैं, किस नाम जानते हैं, जलकाय के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए दोस्तों मैंने आपको गोलजिका के बारे में पूरा का चैप्टर बता दिया, अच्छा चैप्टर था, और पूरा का पूरा जो ये कंटेंट है दोस्तों एनसीईआरटी आधारित है, दो कंटेंट है, और यहाँ से हर बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जो भी तैयारी कर रहे हो, आर्मी की तैयारी कर रहे हो, या एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या रेलवे, या राजस्थान पुलिस, या दिल्ली पुलिस, या जूनियर अकाउंटेंट, या राजस्थान पुलिस एसआई, जो जिस भी कंपटीशन में, या जैसे रीट की तैयारी करो, जिस भी कंपटीशन में ये जो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप जरूर पढ़ना, और अच्छा वीडियो, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।